सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डीज़ पंजाब ते इस समय की वड्डी खबर लैके हाजिर हाँ। दोस्तों किसानों के वड्डे आगू जोगिंदर सिंह उगराहा भारतीय किसान यूनियन उगराहा के प्रधान ने उन्होंने वालों चन्नी सरकार को चेतावनी दे दी है। तो दस दिए कि दो वड्डिया चेतावनियां चन्नी सरकार को दित्तियां ने जोगिंदर सिंह उगराहा के वालों। वो चेतावनियां कि तुहानू भी दस दिंदे आ। पहली चेतावनी उन्होंने ये दी है कि जिस दिन मानसा के विखे रैली सी चरणजीत चन्नी की, सिद्धू मूसेवाला भी उस दिन रैली के शामिल सी, तो उस दिन जिहड़े बेरोजगार अध्यापक सीगे, कच्चे अध्यापक सीगे, उन्होंने उत्ते लाठीचार्ज किया गया सी पुलिस के वालों। उस दे विच एक डीएसपी अफसर है पंजाब सरकार का, उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई सी जो पशुओं की तरह जिहड़ा हैगा तशद्दुद कर रहा सीगा अध्यापकां दे उत्ते। उस दे उत्ते जिहड़ा एक्शन लैंदे आ जोगिंदर सिंह उगराहा ने चेतावनी दित्ती है चन्नी सरकार नूं कि उस डीएसपी नूं सरकार बरखास्त करे ते उस दे उत्ते परचा दर्ज करके उसनू जेल भेजे। अते उन्हां कहा कि जेकर चन्नी सरकार उस ते कार्रवाई नहीं करती तां भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा दे वल्लों इस दे उत्ते एजिटेशन विढ़ी जाएगी अते उस डीएसपी दे उत्ते कार्रवाई करन लई सरकार नू मजबूर किया जाएगा। इस तों इलावा दूजी चेतावनी दिंदे होए भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा दे आगू उगराहा ने कहा है कि जिहड़े टोल प्लाजे ने पंजाब दे विच उन्हां दे उत्ते धरने हाले भी जारी ने। तो जिहड़ी सुन दे विच गल आई है कि टोल प्लाजा दे जिहड़े रेट ने परचियां दे रेट जिथे 50 रुपए सी तो उसनू 90 रुपए कर दिता गया। तो उन्हें कहा कि चन्नी सरकार नू चेतावनी है कि इस रुझान नू बंद किया जाए। उन्हें कहा कि जेकर अजिहा ही चलता रहा तो जिहड़े असी टोल प्लाजा दे जिहड़े धरने ने उन्हां नू नहीं चुकांगे ते टोल प्लाजे बंद ही रहणगे। उन्हें कहा कि रेट जिहड़े ने पहलां दी तरह समान किए जाणगे तां ही टोल प्लाजे तों धरने चुके जाणगे। तो दो वड्डियां चेतावनियां उगराहा दे वल्लों चन्नी सरकार नूं दित्तियां गईआं ने। होर की कहा ने उगराहा ने उह वी तुहानूं सुणा दिंदे आ। वी जिहड़ा कल मानसा दे विच लाठीचार्ज होया ईटीडी अध्यापकां दे, इक डीएसपी है ਭੱਦਾ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ, ਉਹਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰਚੀ ਜਿੱਥੇ 50 ਸੀ ਉੱਥੇ 90 ਕਰਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਕਿ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ।